शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। Come on guys, decide। किसी ने कुछ सोचा? किसी ने कुछ नहीं सोचा। अब बहस के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा, बहुत जल्दी परफॉर्मेंस करनी है। सोचो यार, सोचो। थिंक समथिंग। सोच रहे हैं यार, तो समझ नहीं आ रही इस साल हमारे प्ले की थीम क्या हो। रोमियो एंड जूलियट, हाउ रोमांटिक। वाओ, रोमियो एंड जूलियट, वाओ अमेजिंग। पर मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। ओरिजिनल, हटके, डिफरेंट। फिर तो मिस्टर रोहित को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की तो इतने सालों में एग्जॉस्ट हो गई सारी ओरिजिनलिटी, है ना? आई एम थिंकिंग। रोहित, I'm really very sorry. मैंने कॉलेज में कई बार तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है। I hope you can forgive me for that. It's okay, don't worry, it's fine. No hard feelings. No hard feelings. मैं तुमसे बिना किसी शर्त के तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या मैं तुम्हारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकती हूँ? Why not? दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए कैंटीन से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है? तो लेट्स गो, लेट्स ईट समथिंग। कम ऑन, लेट्स गो। लेट्स गो। थैंक यू मियां। थीम तो प्ले कर। टेररिज्म कैसा रहेगा थीम? थैंक यू सो मच। कीप योर आइडियाज टू योरसेल्फ। और टेररिस्ट कौन बनेगा? मैं बनूंगा ना। यू मस्ट बी किडिंग मी। चलो वो बात की बात है, पहले मैं अपना चीज बर्गर खा लूं, फेवरेट चीज बर्गर, उसके बाद सोचेंगे कि प्ले का थीम क्या रहेगा। मैंने तो सोच लिया। क्या? समथिंग रोमांटिक, वेरी वेरी रोमांटिक। प्यार इश्क मोहब्बत नाम है मेरे, आंखों के नशीले जाम है मेरे। खरीद ले मुझे ए जालिम, प्यार के दो बोल दाम है मेरे। एक्सीलेंट, अमेजिंग नताशा, अमेजिंग। रोहित, मुझे पिंकी कहो ना। पिंकी। ये अपनी नताशा पिंकी कब से हो गई? फ्रेंडशिप डे से, जब से तुमने उसे पिंक रोज दिया। बोल बोल।
जवाब दे अपनी माँ को, कहा रहता है आजकल तू? धंधे पर भी तेरा ध्यान नहीं है। धंधा? कैसे धंधा? अरे सावित्री, तेरे को इतने साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, तेरे को अपुन की भाषा समझ में नहीं आई क्या? धंधा मतलब ऑफिस ऑफिस रे, ऑफिस। देखा तो नहीं सजाते हुए कहीं? पर ऐसी आदतें रही ना, कोई शादी नहीं करेगा तुझसे? कहना क्या चाहती है तू माँ? मतलब ये कि मेरा बेटा अब जवान हो गया है और उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। चोर के लिए रिश्ते? कुछ कहा तुमने? गुर क्या रहा है? खाना का खाना? हाँ हाँ तो खाना। वो अपने बाजू वाली चाल में माधवी चाची है ना, उसकी बेटी है माला, उसका रिश्ता आया तेरे लिए। माला मुझे पसंद भी है, बहू बनाया लायक है वो। बहू बनने के लायक माला। देख माँ, अपुन अपुन किसी राजकुमारी से शादी करेगा। ये चौल की माला वाला से शादी नहीं करेगा अपुन। और प्लीज माँ, ये बहू के सपने देखना तू छोड़ दे, अपुन ये काम कर लेगा। ये काम मुझ पे छोड़ दे, रहने दे, जो काम तुझसे होने वाला नहीं उसकी जिम्मेदारी मत लिया कर। और सुन, ये महलों की राजकुमारियों के सपने देखना छोड़ दे तू। अरे काय को छोड़ दे, काय को सपना नहीं देखेगा वो? अरे सपना देखेगा नहीं तो पूरा कैसे करेगा? और किसी अमीर घर में अगर शादी बनाएगा तो अपुन का जिंदगी बदल जाएगा ना, अपुन ही किसी महल में ऐश से काट लेंगे। देख बेटा देख, तू सपना देख। देखो बाबा, वो मल्लिका होगी पूरी दुनिया की, लेकिन वो बहू बनकर आएगी इसी घर में। ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करने का, अबे पहले किसी ऐसी लड़की को फंसा तो सही। देखो बाबा, फंसाने की बात नहीं है, ये तो लव की बात है। आइला, तेरे को लव हुआ? एक कौन है बताना, बताना। बताएगा हूँ। गुरु क्या हुआ? अरे क्या गुरु, हिंदी पिक्चर के हीरोइन के परेशान बाप के माफिक इधर उधर क्या घूम रहे हैं? टेंशन क्या है अपुन को बोलने का ना, अपुन सब टेंशन ऐसा फटाफट सल्टा देगा ना। अरे कुछ नहीं यार ट्यूबलाइट, वो माँ अपुन की शादी करवाना चाहती है, रिश्ते भी ला रही है अपुन के लिए। मस्त है। ए ट्यूबलाइट, तू इसकी शादी में नाचना। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। गुरु के शादी में मस्त नाचेगा। मत नाचेगा, चुप। तुम लोग ना इधर, अपने को इतना टेंशन है और तुम लोग को बंकत सूझ रही है। अरे गुरु, टेंशन काहे की ले लेगा, आई तुम्हारा शादी करना चाहती है ना तो कर लेगा, उसमें क्या है। अरे कैसे करेगा शादी, अपन वो इशाना से लव करता है ना। यादी, नीचे आ जा, नीचे आ जा, इतना ऊपर उड़ेगा ना उतने ही जोर से नीचे गिरेगा क्या? जोर से गिरूंगा? अबे तुम लोग को क्या मालूम प्यार किस चिड़िया का नाम है? अपुन और एक बार ट्राई मारेगा, देख ले। गुरु, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का सीन शॉट ना खराब है, उधर बहुत झोल है, लेकिन हाँ प्यार के लिए एक बार और ट्राई करने का अपन तुम्हारे साथ है। हाँ दी, एक आखिरी ट्राई। तेरी ये लव के चक्कर में ना उनका धंधा एकदम मंदा हो रहा है। अपुन तो तेरे को ऑल द बेस्ट बोल देगी,
अगर बात बनी तो ऑल राइट, वरना वापस धंधे पर आना पड़ेगा। क्या बोल नक्की? गुरु मिला आज। आ गुरु दे ताली। ये ना बात। नौटी, ये रोहित कहाँ रह गए? हम सबको यहाँ बुला के वो खुद ही गायब है। आई नो मरी, ये इंतजार। इंतजार खत्म हुआ। देर करता नहीं हो जाती है। अब ऐसी खता करने का इरादा तो ना था। आप आए तो महफिल हुई रोशन। वैसे ये इंतजार कुछ ज्यादा भी ना था। या शेर ऐसे खाना था। वैसे मैं आप सबकी प्रॉब्लम का समाधान लेके आया हूं। हमें अपने प्ले की नई थीम मिल गई है। What? Yeah. सर, ये तो बताओ कि थीम क्या है? पर हमें क्या करना होगा? हमेशा की तरह इस बार भी मेरी उलझन मुस्कान नहीं दूर की। मेरी पोएट्री कलेक्शन? अब बताओ कि मैं सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। बदली की ऊंट से चांद मुस्कुराता है, बिना कहे क्या कह जाता है, की चकोर का दिल धड़क जाता है, पतंगा शमे पे क्यों मिट जाता है, फूलों से भवरा क्या कह जाता है, ये पाक लोबान सी खुशबू सा क्या है, जो नजर नहीं आता फिर भी छू जाता है। सुना है ये किया नहीं जाता, हो जाता है, ये एहसास मोहताज नहीं लफ्जों का, ये नजरों से बयां हो जाता है। पर ये तो कविता है, हमें तो प्ले करना है। एग्जैक्टली, मेरी उलझन ये तो है, ये पोएम है और हमें प्ले करना है। But I'm sure, अगर हम इसे अच्छी तरह ड्रामेटाइज कर लें, इस पोएम को, इस कविता को अच्छी तरह ड्रामेटाइज कर लें,
तो हमारा प्ले सिर्फ हिट नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट होगा। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसे इस पोएम को ड्रामेटाइज करने में जो उलझने लगेंगी इतना मुश्किल काम मुझसे नहीं होगा। और कोई है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? एनीबडी? थिंक यू गाइस कैन डू इट। रोहित, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाओ, बट आर यू श्योर? ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। या, आई एम श्योर, आई विल डू इट। गिव हर अ बिग हैंड, कम ऑन। रोहित, या एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुमने प्ले के लिए मुस्कान की कविता को ही क्यों चुना? ये सवाल तुमने मुझसे बहुत बार किया, लेकिन अब लगता है कि इसका सही जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब गहरी दोस्ती जो होगी तुमसे, है ना, झूठ तो नहीं बोल सकता ना तुमसे? नहीं बोल सकता ना? मुस्कान की कविता मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि मुस्कान के शब्दों में या शब्दों में छिपे भाव में या उसके भाव में छिपी गहराइयों से मुझे प्यार है। तुम ये भी कह सकती हो कि मैं मुस्कान के प्यार में डूब चुका हूं। कहाँ खो गई आप? क्या तुम कभी मिले हो अपनी मुस्कान से? बहुत बार देखे मैंने उसे अपने ख्यालों में। ओ, तो इसका मतलब वो तुम्हारी सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना और कुछ नहीं। पर क्या फर्क पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्कान हकीकत में भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत हो मेरी कल्पनाओं में, मेरे ख्यालों में। ये भी तो हो सकता है कि वो मोटी काली नाटी हो, 50-70 साल की। मुझे इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ। तो जैसी भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और वैसे भी जब मैं अपनी मुस्कान की खूबसूरती की बात करता हूँ, उसके दिल की खूबसूरती की बात करता हूँ, मेरी मुस्कान उसमें सादगी भी है और शोक भी, उसमें चंचल अदाएं भी हैं और प्यारी सी मासूमियत भी। कभी वो ठहरी हवा सी शांत सी है, तो कभी बारिश की मस्त बूंदों जैसी शरारती भी। तुम ये कह सकती हो कि मैं अपनी मुस्कान को बहुत देर से जानता हूँ। मेरा मेरी मुस्कान का एक प्यारा सा पुराना सा रिश्ता है। अगर तुम मुस्कान को इतना प्यार करते हो, वो तुम्हारे इतने करीब है, तो तुमने क्या कभी उसे मिलने की कोशिश नहीं की? की थी, बहुत कोशिश की उसे मिलने की। उसके चक्कर में मैं पब्लिशिंग हाउस भी गया, मगर कहीं उसका कोई पता नहीं चला। मगर अब तुम देखना, मेरी मुलाकात मेरी मुस्कान से होगी बहुत जल्दी। मेरा प्यार उसे मेरे पास खींच ही लाएगा। आई लव हर, I love her. एक दिन मेरी मुलाकात उससे जरूर होगी और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। मेरा प्यार उसे मेरे पास खींच ही लाएगा। I am in love with her. I love her. I really, 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 really love her. एक दिन मेरी मुलाकात उससे जरूर होगी और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। मेरा प्यार उसे मेरे पास खींच ही रहेगा।